नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र मिश्र। आज हमारे साथ भूतपूर्व पुलिस अधिकारी, सुप्रसिद्ध समाजसेवी और कांग्रेस के नेता श्री रघुनाथ महाले जी हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसके बारे में उनका क्या विचार है। महाले साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क महानगर में। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र में नया गठबंधन बना है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। ये जो नया सरकार बना है, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तमाम महाराष्ट्र की जनता जो एक महीने से नई सरकार कब बनेगी और महाराष्ट्र का जो आम आदमी है, जो शेतकरी है, जो कामगार है, जो युवा है, जो चाहता था कि सरकार जल्द से जल्द बने और लोगों की समस्याओं के ऊपर ध्यान दे, तो ये सरकार लेट हुई, देर आई, दुरुस्त आई। मैं सभी का एक नागरिक के तहत, एक अधिकारी के तहत मैं सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। महाराष्ट्र में सरकार बनने में काफ़ी विलंब हो गया, इन परिस्थितियों में जल्द से जल्द सरकार बनना कितना ज़रूरी था? सरकार तो देखो, ये जितने तीन पार्टियां हैं इन्होंने भी जो आश्वासन दिया था और जो पहली पार्टी थी उन्होंने भी जो जनता को आश्वासन दिया था वो आश्वासन पूरा करेंगे तो ही इनका आगे का भविष्य है। जब ही ये सरकार, अभी शिवसेना की सरकार है, इन्होंने शेतकरियों को जो आंसू देखने के बाद में, माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने बहुत बार आंदोलन भी किए और महाराष्ट्र का जो शेतकरी है उसकी जो अवस्था है, सिर्फ घोषणा मत दो, वो प्रैक्टिकली लोगों के अकाउंट में, लोगों को पास तक उनका धन पहुँचे, राशि पहुँचे, इसके लिए उन्होंने बार बार जिक्र किया है। तो अभी वो खुद मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने जरा भी विलंब न करते हुए महाराष्ट्र का जो शेतकरी है, महाराष्ट्र का जो कामगार है, उसमें भेदभाव नहीं करते हुए तुरंत शेतकरी लोग को उनकी मदद पहुंचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आप सबसे पहले इस सरकार से किस काम की अपेक्षा करते हैं? ये सरकार अभी मिली जुली सरकार है, इन्होंने एक साझा प्रोग्राम बनाया है। इन्होंने जो साझा प्रोग्राम में जो प्रायोरिटी लोगों को दिया है, एक तो पहली बात, इन्होंने वो पेपर जो है जिसको आप लोगों का प्रोग्राम बोलते हैं, मिनिमम प्रोग्राम बोलते हैं, वो इन्होंने लोगों को दिखाना चाहिए और वो लोगों का उसकी प्रायोरिटीज़, पहले कौन से प्रश्नों के ऊपर आप काम करने वाले हैं और सेकेंडरी क्या रहेगा, थर्ड क्या रहेगा, ये जनता को समझेगा तो लोगों को लगेगा कि सही में काम हो रहा है। आज युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है, आज सहकार क्षेत्र पूरा डैमेज कंट्रोल में चला गया है, महाराष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति, आम आदमी के पास में जो रोज़गार का साधन था वो चला गया।